बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोग को बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सैल्मन विद किनवा की रेसिपी दिखाऊंगी। ये बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत इजी बन जाती है। देखिए, मैंने 2 पाउंड ले ली थी सैल्मन, बहुत ही अच्छी थी, कोई स्मेल भी नहीं, बिल्कुल क्लीन की हुई थी। इसको मैंने ले ली, लेकर इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब कट कर करके इसको रख के इसको मैंने पानी से वॉश करके इसको ड्रेन करके रख दिया। और इसमें मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये है मैंने सोया सॉस, मैं सोया सॉस जो है ये 1 टेबल स्पून डाली। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ पार्सले 1 टीस्पून, बेजल 1 टीस्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और मैं इसमें गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे, और इसमें लेमन जूस डालेंगे 1 लेमन जूस, और लेमन की जो ऊपर की छिलके होती है लेमन जैस, वो भी मैं तकरीबन 1 लेमन की डाली, उससे बहुत अच्छी स्मेल होती है। और इस पर ऑलिव ऑयल भी 4 टेबल स्पून डालूँगी। सॉल्ट जो है वो मैं डालूँगी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको रख दी। मैंने मिक्स करके मैंने रख दी थी 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि जल्दी हमें नहीं थी तो रख दी। अब उसी टाइम भी आप कर सकती हैं। इसको रख दी थी, और मैंने किनवा ली थी तकरीबन 1.5 कप किनवा लेके इसको भी मैंने सोक करके रख दी। फिर इसमें मैंने पानी डाली, डाल के बॉईल करने रख दी। अब देखिए, मतलब 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैं ये सैल्मन को रख दी। एक साइड तकरीबन मैंने स्लाइस पतली कटी हुई थी 3 मिनट रखी थी, फिर इसको फ्लिप करके दूसरी साइड 3 मिनट, ठीक है ना। अब ये किनवा हमारी हमने बॉईल करने के लिए इसको रख दी, वो है 1.5 कप किनवा। इसमें मैंने 2 कप पानी डाल के थोड़ी सी सॉल्ट और ऑयल डाल के रख दी। अब देखिए, इसको मैं दोबारा से, ये बिल्कुल सैल्मन रेडी हो गई। इसको फ्लिप करके मैंने इसको लेमन इस तरह से स्लाइस में कट करके रखी, तो इतनी अच्छी हो गई थी लेमन की, बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू बहुत अच्छी आ गई। देखिए, ये किनवा है, ये रेडी हो गई। देखिए, इसी के पानी में ये पूरी रेडी हो गई। अब इसको मैं थोड़ी सी सॉटे करेंगे, तो मैंने डाली थी बटर, आप डाल सकते हैं घी जो भी है, मैंने 1 टेबल स्पून डाली। इसमें मैंने गार्लिक चॉप की हुई थी वो 1 टेबल स्पून डाल के सॉटे करी। करने के बाद ये मैं वेजिटेबल बेल पेपर येलो वाली ग्रीन मारी, और मैंने इस पर टोमेटो 1 और ऑनियन कट करके ये डाली। थोड़ी सी मैंने इस पर हल्दी डाल दी, नमक डाली, थोड़ी सी चिली पाउडर और 1 चिकन क्यूब डाली, और इसमें सॉल्ट थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने पर आप डाल दें, ठीक है ना, कम हो तो। और ये किनवा भी बॉयल की हुई डाली, डालकर इसको मैंने, मुझे सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी। इसको दम पे मैंने रख दी, पानी बॉईल करने रखी, उस पर मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दी थी। ये पानी बॉईल हो रही थी, इस पर मैंने ब्रोकली बॉईल कर ली। ये बिल्कुल टोटली बिल्कुल हेल्थी है। आप लोगों को देखे, यानी मैंने ब्रोकली बॉईल भी और किनवा और ये सैल्मन के साथ मैंने इसको सर्व की, तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी और इतनी हेल्थी थी। तो मैंने ये चीज़ को इस तरह से बनाकर ट्राई की, बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह आप लोग भी ट्राई करें, और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।